3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन हिंद न्यूज़। आइए देखते हैं आज की हेडलाइन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश पाइक ने की अजमेर में प्रेस वार्ता। कहा, मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास नारे पर किया है काम, राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। दरगाह पुलिस ने 30 मोबाइल के साथ 3 मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश करने के बाद भेजेंगे जेसी। इंडोर स्टेडियम में महिला सम्मान समारोह में फाग महोत्सव का आयोजन, रूसा डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से हुआ आयोजन, शहर के गणमान्य नागरिक हुए शामिल। कलकत्ता की प्राइवेट कंपनी एजेंट के पैसे लेकर हुई फरार, अजमेर के एजेंट तरुण को लगाए 45,000 का चूना, मामला कोतवाली थाने में दर्ज। कुल की रस्म के साथ 807वें उर्स मेले का हुआ समापन, कुल का पानी जायरीनों में किया वितरित। मेडिकल कॉलेज में ग्लूकोमा मैराथन का हुआ आयोजन, आयोजन में शहीदों को विधि श्रद्धांजलि की, संगीत की भी हुई प्रस्तुति। मोदी और आर्मी पिचकारी की मार्केट में बड़ी डिमांड, होली के करीब आने के साथ रंग गुलाल और पिचकारियों से सजा मार्केट, होली की खरीदारी से मार्केट में बड़ी भीड़। सड़क दुर्घटना में पुलिस के 2 जवान हुए घायल, जेएन अस्पताल में पहुंचाया गया उपचार के लिए, पुलिस कप्तान भी पहुंचे मौके पर। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonin.com। सच के साथ।